गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास फोर्थ, एक्सरसाइज 12C. आपको मिलीमीटर सेंटीमीटर इसको ऐड करना है. देखिए 5, 6, 11, क्योंकि 0 है इसका मतलब कुछ नहीं. 5, 6, 11 का 1, 1 कैरी हुआ. अब देखिए 0 और 1, 1 हो गया, 7 to 9, यानी 91 सेंटीमीटर और ये 11 मिलीमीटर. इसी तरीके से इसको करेंगे 5, 4, 9, 2, 3, 4, 7, ये ग्राम्स में है और केजी में हमारा क्या है, इसको लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं. 2 और 0, 2 हो जाएगा, 7, 1, 8 हो जाएगा. आप ऐसे लिख सकते हैं 82, ये केजी में हो जाएगा. देखिए केजी में ये रहेगा ये. इसी तरीके से इसको ऐड करिए 0, 0, 8, 5, 3, 8, ये किलोमीटर है, ये मीटर है. इसी तरीके से आप ऐड करेंगे. ई नंबर देखिए 5 और ये हो जाएगा 8, 5, 13, ये 5 हो गया, 8, 3, 11, 11 का 1, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 7 to 9, तो 901 हो जाएगा. 6 और 5, 11, 2, 1, 3, 1, 4, तो ये किलोमीटर में, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में. इसी तरीके से करिए, आपको ऐड करना तो आता ही होगा. क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐड ही करना है. तो देखिए 75, आप ऐसे लिख देखिए जी ऊपर, फिर क्या है ग्राम, ग्राम में कितना है 150 है, और ये कितना है 22, केजी में 22 है, और ग्राम्स में कितना है 400 ग्राम्स है, 400 लिख लिया. ये 7 केजी है तो 7 लिख लिया. 615 है, इन सबको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा आंसर. 0, 0, 5, 5 हो गया, 5, 1, 6 हो गया, 6, 4, 10 और 1, 11 हो गया, 7 to 9 और 5, 14 और 1, 15 हो जाएगा, और 7 to 9, 9 और 1, 10, यानी ये 105 kg हो गया और ये ग्राम्स हो गया. इसी तरीके से आप सबको जोड़िएगा, ऐड करिएगा. डी नंबर देखिए, डी कैसे होगा सॉल्व. डी हमारा है 21, 320, ये किस में है केजी में है, ये किस में है ग्राम्स में है, इसको लिख लिया. ये कितना है 11, केजी के नीचे लिख लिया, और 500 ग्राम्स था तो ग्राम्स के नीचे लिख लिया. ये 6 है केजी तो 6 यहाँ लिखेंगे, और ग्राम्स में कितना है 35 है, यानी यहाँ कुछ नहीं है. इसको 0 मान गए या नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे. 35 है तो 0, 3, 5 होगा, यानी अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 5, 3, 2, 5, 5, 3, 8, और इसी तरीके 6, 1, 7 और 1, 8, 2, 1, 3, यानी 38 kg में आ गया, और ये कितने आ गया ग्राम्स में, 38 kg, 355 grams. अब इसको देखिए चेंज इनटू स्मॉलर यूनिट एंड ऐड 5 kg. देखिए 5 kilometers, 45 meters. इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर यूनिट में, मान लीजिए मीटर में कर लेते हैं, तो ये 5 into 1000 हो जाएगा. किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अब 45 meters है. और दूसरा कितना है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5000 + 45, यानी ये आ गया 5045, ये इतना मीटर हो गया. और हमें नेक्स्ट हमारा क्या है, 32 kilometers, 420 meters, 32 kilometers और 420 meters. तो हमें बहुत आसानी से इसको समझ में आ जाएगा. हमें इसको हम क्या करेंगे, 32 को किलोमीटर्स को मीटर में बदलेंगे,
1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 420 करेंगे, और देखिए ये हो जाएगा 32000 प्लस 420, तो ये देखिए 32420, ये आ जाएगा 32420। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 5045 मीटर, और प्लस 32400, ये 5000 ही था। चलिए ये 5045, और ये कितना हो गया, 0 2 4 2 और 3, ऐड कर लेते हैं, 5 हो गया, 4 2 6 हो गया, 4 हो गया, ये क्या हो गया, 5 2 7 हो गया, 3 ये आ गया, 3 7 4 6 5, ये मीटर्स में 37,465 मीटर्स। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस आप खुद से करिएगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।